अविराम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर हैं उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन सारे क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे चैप्टर को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस 10th क्लास में था या नहीं था। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस 10th क्लास में भी था, उसमें हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा था। वहाँ अपने फॉर्मूले थे साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला था अपना साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, या फिर कोस 90 माइनस थीटा जो कि कितना होता है? साइन थीटा। यहाँ अपने को ये डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सा क्वाड्रेंट है कौन सा नहीं, अपने फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न कर लिए थे। यहाँ हम आगे देख रहे हैं कि ये किस प्रकार, तो यहाँ से साइन 90 और माइनस थीटा इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 11th के अंदर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी पढ़े जाएंगे। तो यहाँ फॉर्मूले साइन 90 प्लस थीटा भी हो सकता है, वहाँ केवल साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस, कोट 90 माइनस थीटा सभी फॉर्मूले थे वहाँ। यहाँ सबसे पहले अपन चैप्टर की शुरुआत में एंगल डिफाइन करना देखा है। एंगल डिफाइन करने में अपने को ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एंगल हमेशा पॉजिटिव एंगल, मैं कहूँ कि प्लस के 135 डिग्री, प्लस के 135 डिग्री इट मीन्स पॉजिटिव इधर की साइड में बढ़ेगा, ये 135 डिग्री, ये प्लस के 135 डिग्री जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन यदि यही एंगल नेगेटिव में 135 डिग्री मुझे फाइंड करना हो तो मुझे क्लॉकवाइज बढ़ना होगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 9th क्लास में भी बताया जा चुका है, इसलिए इसको अभी यहाँ नहीं समझेंगे। केवल आपको नॉर्मल समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ से हम शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। इसके लिए हम देखो केवल एक फॉर्मूला या लर्न होना चाहिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन होता है। तो यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं, 25 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन। 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई अपॉन 180। देन 25 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 25। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल होगा, 36। इट मीन्स 5 पाई बाय 36। ये किस में कन्वर्ट हो गया है? रेडियन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने को इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं जिसमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन अटेंड करते हैं, जैसे मुझे माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट, ये क्या है? मिनट। और इसके आगे यदि सेकेंड होता तो इसको इस तरह से लिखा जाता, माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट, और यदि इसी क्वेश्चन में आगे होता तो 30 सेकेंड इस तरह से, या 25 कुछ भी हो सकता है सेकेंड में, उसको इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट को यदि कन्वर्ट करें डिग्री में तो एक मिनट में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। तो यहाँ इसको 60 से डिवाइड करना है, ये कैंसिल होगा, यानी 1/2, यानी माइनस के 47 और 1/2, यानी माइनस के कितना हो जाएगा? 95 इज डिवाइड बाय 2। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, पहले ये मिनट में भी चल रहा था लेकिन ये अब कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई अपॉन 180। नेक्स्ट माइनस के 95 अपॉन 2 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो पाई अपॉन 180 इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 95 अपॉन 2। यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल होगा 19, ये भी कैंसिल होगा 5 से, 36, यानी माइनस के 19 पाई अपॉन 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। ये अभी किस में कन्वर्ट हो गया है? रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार हम
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आराम से कर पाएंगे। इसके लिए अपने को एक फॉर्मूला लर्न करना होगा, 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। नेक्स्ट हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। जैसे इसमें अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है माइन 11 बाई 16, ये किस में दिया हुआ है, रेडियन में क्वेश्चन दे रखा है। इस रेडियन वाले क्वेश्चन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये फॉर्मूला लर्न है, 180 डिग्री में कितना रेडियन है, पाई रेडियन। तो इसको मैं उल्टा लिख दूँ तो पाई रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना होगा, पाई अपॉन 180 अपॉन पाई। तो यहाँ 1 रेडियन अपने को कितना दे रखा है, 11 अपॉन 16 रेडियन में कितना होगा, 180 अपॉन पाई इज मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 16। यहाँ से 180 अपॉन पाई की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22 अपॉन 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 16। यहाँ से 2 से कैंसिल, 11 से 2 टाइम कैंसिल, 2 से 18 90, और यहाँ से 2 से अगेन 8, और ये 45। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में कितना आएगा, 8। यहाँ से अपने पास में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 8। अभी मेरे पास में इसका आंसर रेडियन डिग्री में नहीं आया है, अब इसको मेरे को 315 को किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। 315 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा, 24, कितना रिमाइंडर रहेगा, 7, 75, अगेन इसको कितने टाइम, 9 टाइम डिवाइड, कितना आ चुका है, 72, रिमाइंडर कितना रहता है, 3। अब यहाँ से इसको ध्यान से समझने वाली बात है कि इसको मुझे मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। अभी तक जो आंसर आया है वो डिग्री में आया है, अब आने वाला जो है वो मिनट में आएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, क्योंकि 60 वन आवर में 60 मिनट होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। अगेन 180 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड होगा तो 16 आएगा। यहाँ से 220 बचेगा, अगेन 2 टाइम, तो यहाँ कितना बचेगा, 16। अब नेक्स्ट यहाँ कितना रह जाएगा, 4। अभी तक ये क्वेश्चन मिनट में कन्वर्ट हुआ है, नेक्स्ट अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वापस इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आएगा 240। 8 को 240 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 30 टाइम, यानी 30 सेकंड। तो इसके आंसर अपने पास में कितना आ चुका है, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन में अपने को जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके उसको मिनट और सेकंड के आंसर भी लेके आएंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने सोल्व करके 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड अपने पास में आया है। इस प्रकार अपन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपने पास में इसके जो क्वेश्चन हैं वो सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल के अंदर अपने को 3 बातों का ध्यान रखना है, जैसे किसी सर्कल में ये तो सर्कल का एक पार्ट है जिसमें ये इसका एंगल है जो थीटा से प्रेजेंट होगा, ये इसकी रेडियस है जो आर से प्रेजेंट होगी, और ये है इसका चाप या आर्क लेंथ भी बोला जाता है इसको, या फिर चाप। तो यहाँ से इन 3 बातों के बीच में आपस में रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। ये जो रिलेशन है इसके रिलेटेड भी अपने को कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक के अंदर, तो यहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया है कि दो सर्कल हैं जिनके चाप बराबर हैं या फिर उनकी आर्क लेंथ इक्वल है। दो सर्कल हैं जिनके चाप बराबर हैं, चाप बराबर हैं यानी L1 किसके इक्वल होगा,
एल टू के। फिर उसमें कहा गया है कि उनके कोण जो हैं सर्कल के सेंटर पे, पहले का 60 डिग्री का कोण है और दूसरे का 75 डिग्री का कोण है। क्वेश्चन अपने को बाद में ये कह रहा है कि उनकी रेडियस रेडियस क्या रेशियो फाइंड करना है। रेशियो अपने को किसका फाइंड करना है, उनकी रेडियस का, जो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ अपन अपने को जो दे रखा है उसको यूज़ में ले लेते हैं। एल वन किसके इक्वल है, एल टू के। तो अपने पास में यहाँ से एल निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा वन आर वन इज इक्वल टू थीटा टू आर टू। थीटा वन की वैल्यूज कितनी है, 60 डिग्री, और आर वन इज इक्वल टू थीटा टू की वैल्यूज कितनी है, 75 टू आर टू। यहाँ से आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू 75 अपॉन 60, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे 15 की टेबल से 5 टाइम और 4 टाइम, यानी आर वन अपॉन आर टू कितना आ जाएगा अपने पास में, 5 अपॉन 4। तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बीच में आपस में रिलेशन दे रखा है, जिसमें साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले, साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, साइन टू ए, कोस टू ए, टेन टू ए, साइन थ्री ए, कोस थ्री ए और टेन थ्री ए के फॉर्मूले दे रखे हैं। तो उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे टेन 15 डिग्री की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि टेन 45 माइनस 30, इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15, या फिर इसकी जगह मैं 60 माइनस 45 भी लिख करके करूं तो भी इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, लेकिन मैं किसी एक से सोल्व कर रहा हूं। यहां मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं टेन ए माइनस बी का। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन ए और टेन बी। ये वाला फॉर्मूला यदि यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ ए की वैल्यूज 45 हैं और बी की वैल्यूज 30 हैं। तो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड तो 15 डिग्री इज इक्वल टू टेन 45 माइनस 30, यहाँ से अपने पास में टेन ए प्लस बी, यानी टेन 45 माइनस टेन 30 डिग्री इज डिवाइड बाय 1 प्लस टेन 45 और टेन 30 डिग्री। यहाँ से अपने पास में टेन 45 की वैल्यूज 1 माइनस टेन 30 की वैल्यूज 1 बाय रूट 3 इज डिवाइड बाय 1 प्लस टेन 45 की 1 हो जाएगी, यहाँ से टेन 30 की 1 बाय रूट 3। यहाँ से यदि ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम आ जाएगा रूट 3, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है उसके भी डिवाइड में, यहाँ से रूट 3 माइनस 1 इज डिवाइड बाय डिवाइड का एलसीएम रूट 3 प्लस 1, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, अपने पास में बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। रेशनलाइज कर लिया आ जाए इसका तो रूट 3 माइनस 1 से इसका परिमेयकरण हो रहा है, यहाँ से ऊपर टेन ए दोनों स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यदि इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करें तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इज डिवाइड बाय रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप सोल्व की जाए तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 इज डिवाइड बाय 2, यहाँ से 3 और 1 4 माइनस 2 रूट 3 इज डिवाइड बाय 2। यदि 2 से सेपरेटली डिवाइड कर लिया जाए तो 2 माइनस रूट 3, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्या आंसर आए हैं अपने पास में, 2 माइनस रूट 3। तो इस तरह से अपन इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिसमें 10 15 की वैल्यूज फाइंड की जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे कोजेक माइनस मुझे वैल्यूज फाइंड करनी है कोजेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो फर्स्ट मेरे को इसके अंदर कोजेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोजेक थीटा मेरे को यूज में लेना होगा,
यदि फॉर्मूला यदि यूज में लेते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, cos एक और माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस cos एक, अब यहाँ 1410 को 1410 को किससे डिवाइड कर लेते हैं, 90 से, कितने टाइम डिवाइड होगा, वन टाइम, कितना बचेगा यहाँ 90, कितना रिमाइंडर रहेगा 1 और 550, और नेक्स्ट ईक अब कितने टाइम डिवाइड होगा 5 टाइम, यानी 45, यहाँ से 0 और 6, 60 रिमाइंडर रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 90 × 15 प्लस 60 डिग्री। यहाँ से नेक्स्ट आगे सोल्व करें तो माइनस कोज एक, अब देखा जाएगा कि 90 का मल्टीपल इवन है या ओड है, यदि यदि 90 का गुणा यदि विषम संख्या है, अब यहाँ से ध्यान से समझा जाए कि 90 का गुणा यदि विषम संख्या है तो आपस में इंटरचेंज होते हैं कौन कौन, साइन किस में चेंज होता है कोस में, और टेन किस में चेंज होता है कोट में, और से किस में चेंज होता है कोजेक में, तो अभी कौन है कोजेक, तो कोजेक किस में चेंज होगा सेक में, तो यहाँ से सेक लिखा जाएगा और डिग्री लिखी जाएगी 60 डिग्री। अब यहाँ 90 का मल्टीपल 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्लस 60, इट मीन्स क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, ASTC, सी की वजह से यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो अभी अपने को कौन है क्वेश्चन कौन सा है, कोजेक है, तो कोजेक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ आगे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ से अपने पास में माइनस माइनस प्लस और सेक 60, सेक 60 की वैल्यूज वही हैं जो कोस 60 की उल्टी, कोस 60 की वैल्यूज वही हैं जो साइन 30, साइन 30 यानी 1/2 का उल्टा 2, ये आंसर आएगा यहाँ, तो 2 आंसर अपने पास में आ चुका है। तो पहले वीडियोस में अपन केवल इतना ही सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है 10π/4 प्लस x इज डिवाइड बाय 10π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 10x इज डिवाइड बाय 1 माइनस 10x और इनका होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपने प्रूव डेट वाला क्वेश्चन है, यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को इसकी लेफ्ट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10π/4 प्लस x, 10π/4 प्लस x, इसको आगे बढ़ाएं अपन क्वेश्चन को, तो 10 इज डिवाइड बाय 10π/4 माइनस x, यहाँ अपन ऊपर फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाने हैं, 10a + b का, 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b अपॉन 1 − 10a और 10b, यहाँ से अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 10a + b का फॉर्मूला, और डिवाइड में अपने को 10a - b का, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, केवल यही चेंज आएगा, तो ऊपर अपन 10a + b का फॉर्मूला लगा देते हैं, 10a + 10b अपॉन 1 − 10a और 10b इज डिवाइड बाय, यहाँ से 10a - 10b अपॉन 1 + 10a और 10b, नेक्स्ट स्टेप बनाए अपन, तो ऊपर 1045 की वैल्यूज 1 + 10x इज डिवाइड बाय 1 − 10x, क्योंकि 1045 की यहाँ पे भी वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1 इज डिवाइड बाय, डिवाइड में हो जाएगा 1045 की वैल्यूज 1 − 10x की वैल्यूज 10x इज डिवाइड बाय 1 + 10x, यहाँ पे भी 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिवाइड का डिवाइड कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, डिवाइड का डिवाइड कहाँ जाता है ऊपर जाता है, तो अपने पास में आ जाएगा 1 + 10x और ये वाला भी ऊपर आएगा, तो 1 + 10x और इज डिवाइड बाय 1 − 10x और दूसरा भी क्या है 1 − 10x, यानी एक तरह से दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1 + 10x इनका होल स्क्वायर इज डिवाइड बाय 1 − 10x इनका होल स्क्वायर, जो कि उस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। इस प्रकार अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसमें अपने को 10a + b का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और 10a - b का फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस कॉस 3π/4 माइनस एक्स प्लस कॉस 3π/4 प्लस एक्स प्लस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ इज इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं इसकी भी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स। यहाँ अपन कोस 3π/4 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। कोस 3π/4 थ्री पाई की वैल्यूज 180 अपॉन 4, 4 से यदि इसको कैंसिल करें तो कितना आएगा 45, यानी 3 × 45 यानी कितना डिग्री आ गया अपने पास में 135 डिग्री। क्लियर है? यहाँ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कितना डिग्री है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं कोस ए प्लस बी का। यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होने वाला है? कोस ए प्लस बी, और या फिर अपन इसके अंदर कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला भी, अब कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कोस सी माइनस कोस डी ये वाला फॉर्मूला यदि अप्लाई करते हैं तो अपने फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू और माइनस साइन के साथ में। ये वाला फॉर्मूला यदि मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूँ तो सी की वैल्यूज़ ये हैं और ये किसकी वैल्यूज़ हैं? डी की वैल्यूज़। इस पैटर्न से नहीं करके दूसरे पैटर्न से इसको सोल्व कर लेते हैं। कोस सी प्लस माइनस कोस डी, उसका फॉर्मूला माइनस टू क्या आएगा? माइनस टू साइन सी, ये लिखा मैंने सी प्लस डी, ये हैं डी इज डिवाइड बाय टू और साइन सी और माइनस डी, डी की वैल्यूज 3π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स इज डिवाइड बाय टू। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बनाएं माइनस टू साइन एक्स से एक्स कैंसिल 3π/4 और 3π/4 यानी 2 × 3π/4 इज डिवाइड बाय टू और साइन ये कैंसिल साइन एक्स और एक्स 2x इज डिवाइड बाय टू। नेक्स्ट स्टेप बनाएं तो माइनस टू साइन ये कैंसिल 2 टाइम और ये 2, 4 से 2 × 2, 4 हो जाएगा यानी 3π/4 और साइन एक्स। यहाँ से अपने नेक्स्ट स्टेप यदि बनाए तो अपने पास में आएगा माइनस टू और साइन ये कितना डिग्री है? 135 डिग्री। 135 को लिख सकते हैं 19 × 1 प्लस 45 और साइन एक्स। यहाँ से माइनस टू और ओड नंबर हैं इट मीन्स साइन किस में चेंज होगा? कोस में, और कोस 45। क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 × 1 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए यही रहेगा और साइन एक्स आएगा। नेक्स्ट स्टेप बनाएं तो माइनस टू साइन 45 की वैल्यूज 1/√2 और साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप बने तो ये माइनस टू को लिख सकते हैं √2 × √2 इज डिवाइड बाई √2 और साइन एक्स। √2 से √2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप बनेगी माइनस √2 साइन एक्स, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। इस प्रकार हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिसके अंदर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 4x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x साइन 4x और साइन 8x। क्वेश्चन है अपने पास में कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x और साइन 8x। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। पहले मेरे को फॉर्मूला नज़र आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला नज़र आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी,
ए प्लस बी क्या बन जाएगा, कोस टू एक्स, और ये ए प्लस बी लिखा है, नेक्स्ट ए माइनस बी, ए और ये माइनस बी, यहाँ इसको आगे सोल्व करें तो अपने पास में आएगा कोस सी प्लस कोस डी। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज में आ रहा है, कोस सी प्लस कोस डी, क्या फॉर्मूला होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, और कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला यूज में ले लिया जाए तो होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। यहाँ से दोनों फॉर्मूले भी इसमें यूज में लिए जाए तो अपने पास में आएगा कोस सी प्लस कोस डी, तो क्या आ जाएगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, ये सी और ये डी बाई टू, और कोस सी माइनस डी इज डिवाइड बाई टू। ये तो पहला ब्रैकेट सोल्व हुआ, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर माइनस टू साइन सी प्लस डी इज डिवाइड बाई टू और साइन सी माइनस डी इज डिवाइड बाई टू, ये सेकेंड ब्रैकेट सोल्व हुआ है। नेक्स्ट टू और कोस कितना हो जाएगा, एट इज डिवाइड बाई टू फोर एक्स, और ये कोस कितना आ जाएगा, माइनस फोर यानी माइनस टू एक्स, ये ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। सेकेंड ब्रैकेट में माइनस टू साइन कितना, एट इज डिवाइड बाई टू फोर एक्स, और यहाँ साइन माइनस टू एक्स। यहाँ से अपन नेक्स्ट फॉर्मूले कौन से यूज में आ रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला यूज में आ रहा है कोस माइनस थीटा जो कि होता है कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा जो कि होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बनाएं, टू कोस फोर एक्स और कोस माइनस थीटा कोस थीटा एंड कोस टू एक्स, और नेक्स्ट क्या बन रहा है, माइनस टू साइन फोर एक्स और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन टू एक्स। इनमें से दो दो के सेट बना लें, टू एक फोर एक्स अलग रख लें, टू एक्स अलग रख लें, यानी टू साइन टू एक्स और कोस टू एक्स, ये वाला और ये वाला साथ में रखा, और टू साइन फोर एक्स और कोस फोर एक्स। यहाँ से टू साइन थीटा कोस थीटा, कौन सा फॉर्मूला यूज में आ रहा है, साइन टू थीटा, क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, टू और थीटा कितना है एक्स, इसमें भी साइन टू और थीटा कितना है फोर एक्स, यानी अपने पास में साइन फोर एक्स और साइन एट एक्स, तो ये इसकी राइट हैंड साइड हैं। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं शो डेट, शो डेट वाला एक क्वेश्चन है, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स और टेन एक्स, इस वाले क्वेश्चन को शो करना है अपने को, तो यहाँ भी अपने को फॉर्मूला यूज में लेते हुए इसको शो करना है। जैसे क्वेश्चन है टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स और टेन एक्स, ये वाला क्वेश्चन है, इसको शो करना है, तो सबसे पहले अपन टेन थ्री एक्स लिख देते हैं, टेन थ्री एक्स को लिख सकते हैं टू टेन टू एक्स प्लस एक्स, यहाँ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, टेन ए प्लस बी का, जो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए और टेन बी, यहाँ टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस ये टेन ए और ये टेन बी, और इधर क्या चल रहा है, टेन थ्री एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन ले लिया जाए, यानी टेन थ्री एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, वन माइनस टेन टू एक्स और टेन एक्स इज इक्वल टू, ये वन से मल्टीप्लाई होगा, कौन, टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ से टेन थ्री एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स टेन टू एक्स और टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन टू एक्स प्लस
टेन एक्स, यहाँ से ये नेगेटिव उधर ट्रांसफ़र कर लें, इनको इधर ट्रांसफ़र कर लें, तो अपने पास में टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स और टेन एक्स, यही अपने को प्रदर्शित करना है जो आ चुका है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं कोस सिक्स एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस सिक्स एक्स। क्वेश्चन वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मैंने केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के ही आपको एक्सप्लेन किया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस और आपको देखने होंगे। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, कोस सिक्स एक्स इज इक्वल टू थर्टी टू, कोस पावर सिक्स एक्स कोस पावर सिक्स एक्स माइनस फोर्टी एट कोस पावर फोर एक्स प्लस एटीन कोस स्क्वायर एक्स प्लस एटीन कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड अटेंड कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है कोस सिक्स एक्स, कोस सिक्स एक्स को लिख सकते हैं कोस टू इंटू थ्री एक्स, टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा अपने पास में, टू इंटू थ्री अपने पास में सिक्स हो जाएगा। यहाँ अपन फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं कोस टू टीटा, कोस टू टीटा का फॉर्मूला है टू कोस स्क्वायर टीटा माइनस वन। यदि इस फॉर्मूले को यहाँ यूज में लिया जाए, टू कोस स्क्वायर टीटा कितना है मेरा 3x माइनस वन, यहाँ से 2, अब यहाँ cos 3x नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है cos 3x इनका होल स्क्वायर माइनस वन। यहाँ cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज में लिया जाए, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखने का तरीका है जैसे साइन वाला याद रखना है 31 43, वैसे ही cos वाला है 43 31। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके मीडियम से अपन इनको लर्न कर सकते हैं, कोस थ्री टीटा का फॉर्मूला और ये साइन थ्री टीटा का और ये कोस थ्री टीटा का फॉर्मूला, यानी 31 43 इसमें क्या आएगा 43 और ये 31, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लें तो टू ब्रैकेट 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स और इनका होल स्क्वायर माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए बी करेंगे 4 इंटू थ्री 12, 12 का डबल 24 कोस पावर 4x माइनस वन, टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 कोस पावर 6x प्लस 18 कोस स्क्वायर x माइनस 48 कोस पावर 4x माइनस वन, जो कि उस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और अपन सोल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन है साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y इज डिवाइड बाई कोस x प्लस कोस y, साइन x माइनस साइन y इज डिवाइड बाई कोस x प्लस कोस वाई इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू टेन एक्स, एक्स माइनस वाई इज डिवाइड बाई टू। इसकी लेफ्ट हैंड साइड अटेंड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन एक्स माइनस साइन वाई इज डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस कोस वाई। यहाँ फर्स्ट अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी वाला और साइन सी माइनस साइन डी वाला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, या फिर कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं जो होता है कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो टू कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू इज डिवाइड बाय टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू, टू से टू कैंसिल कोस ए इससे कैंसिल, तो अपने पास में साइन अपॉन कोस दोनों का एंगल सेम है तो इसको लिख सकते हैं अपन टेन एक्स माइनस वाई इज डिवाइड बाई टू, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब एक क्वेश्चन और अटेंड कर लेते हैं जो कि प्रिंसिपल से रिलेटेड है कि किसी भी एंगल के प्रिंसिपल वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड की जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करना भी है अपने
जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, तो इसमें इक्वेशन ले लेते हैं कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। अब यहाँ इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज देखी जाएगी, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट में ये चेक करूँगा कि कोट की वैल्यूज नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है। कोट की वैल्यूज यहाँ तो पॉजिटिव होती हैं, ये फर्स्ट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, मुझे नेगेटिव वैल्यूज देखनी है तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज नेगेटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करके पहुँचेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस करके पहुँचेंगे। तो इस तरह से अपने को पहुँचना है, तो कोट एक्स इज इक्वल टू कोट और सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी पाई माइनस, अब ये देखा जाएगा रूट थ्री कोट में कितने डिग्री की वैल्यूज होती हैं। रूट थ्री टेन में तो 60 की हैं, तो कोट में 30 डिग्री की होगी, 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जाएगा पाई अपॉन 6। यहाँ से कोट एक्स इज इक्वल टू कोट एलसीएम लेकर के सोल्व करें इसको, तो 5π/6 कोट से कोट कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू 5π/6। ये इसकी एक प्रिंसिपल वैल्यूज है, ये दूसरी वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइन होगी, तो अपन करेंगे कोट एक्स इज इक्वल टू कोट फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस कितने डिग्री की वैल्यूज हैं, 30 का मतलब 5.6। इट मीन्स कोट एक्स इज इक्वल टू कोट एलसीएम लेकर के सोल्व करें तो 11π/6, देन एक्स इज इक्वल टू 11π/6। ये दोनों इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बुक में दे रखे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर अप्रोक्सीमेट अपना कंप्लीट है। इसके फॉर्मूले जितने भी हैं और फॉर्मूले कैसे आते हैं, इसका एक वीडियो आपको अलग से ज़रूर मिलेगा। अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू अपन ने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है।